देखो गाइस कैसे इंची टेप लेके भाग गया ये। पकड़ो इसको, पकड़ो 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 पकड़ो। किसने बोला था? जिससे मिलने आई थी यहाँ पर। वाह रे वाह मेरी टैलेंटेड बीवी, वाह। क्या था? ओए होए मेरे को अच्छे से याद है, एक एक बात याद है मेरे को। June 13th 2024 देखो देखो गाइस कैसे इंची टेप लेके भाग गया ये कारपेंटर का। देखना कैसे परेशान कर रहा है ये। पकड़ो इसको, पकड़ो 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 पकड़ो। ओ इधर से पकड़ दो उसको। क्या हुआ? इंची टेप लेके भाग गया। भाग गया, पागल है ये। मिल गया ये, बहुत परेशान किया हुआ इसने। सामान ले लेके भाग जाता है ये, बहुत परेशान किया हुआ इसने। लो सी मिल गया। दुखी करा हुआ इसने। सच में बहुत ही बदतमीज हो रखा है, बहुत ज्यादा भाई। कितना दूर भागना पड़ा है ना इसके पीछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे ये परेशान किया हुआ इसने और कैसे ही इंची टेप लेके भाग जाता, सामान लेके भाग जाता है। तो ऐसे ही इन दिनों ये चीज़ हो रखी है और आप लोग देख रहे हो। अगेन हम स्टूडियो पे, सुबह हम चले गए थे फिर आ गए क्योंकि काम ही ऐसा पड़ गया था। अभी देखा आप लोगों ने कि कारपेंटर भैया आए हैं क्योंकि यहाँ का बोर्ड लगवाने भी जरूरी था। जैसे कि मैंने बताया छोटे मोटे काम बहुत बाकी है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम अपना कम्फर्ट जोन नहीं देख सकते। जब कोई बंदा आ रहा है तो अभी हमें आना भी पड़ेगा। अभी इलेक्ट्रिशियन का एक तो थोड़ा बहुत काम बाकी है। और ये देखो इधर मैंने लगाया ये पट्टी उधर थी, उधर से मैंने निकलवा के इधर लगवाई इलेक्ट्रिशियन से, क्योंकि वहाँ पर लगेगा एसी, तो एसी में वो चीज़ कवर हो रही थी। तो ये मैंने यहाँ लगाया। सैंपल के लिए एक लाइट लाया था तो ये लगा के देखी है। यहाँ पहले अंधेरा रहता था तो अब भी ठीक है ये। और हाँ, तो इतने वो भैया काम कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि हम यहाँ पर सामान रख लेते इधर। और ये मेरी मोहतरमा है। आप चेयर पे बैठने के लिए आए हो यहाँ पर? टेंशन मत लो, आराम फरमाने के लिए आए हो चेयर पे। इस कुर्सी के पीछे तो पता नहीं कितने कितनों की लड़ाई होती है। सब कुर्सी का खेल है, सबको कुर्सी चाहिए। तो वो वाला सामान इतने हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो चलो दिखाते हैं आपको फास्ट में सब कुछ करके। अभी ये चलने का वक्त, तो थोड़ा बहुत सामान रखा है और भी बहुत ज्यादा नहीं रखा, थोड़ा कंफ्यूजन चल रही है। और कुछ सामान जो बाहर से लेकर आना है, कुछ एक आधा सामान हमारा मतलब घर डिसाइडेड है कि कुछ एक आधा सामान घर से उठाना है, कुछ आधा तो देखना इसको देखना। हेमलता के आते ही हट गया। हाँ भाई, हाँ जा रहा हूँ मैं, बाय जा रहा हूँ। ओए कैमरा चाटेगा क्या? तो मैं ये कह रहा था कि कुछ सामान लेकर आएंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। और कुछ प्लांट्स वगैरह भी उठाकर रखने हैं, तो कुछ पॉट वगैरह भी लेने हैं। तो एक आधा कुछ सामान सेटअप बनाने के लिए वो चीज़ें माइंड में हैं, पर वो कन्फ्यूजन पे है सारा कि कैसे। तो वो रख के ही पता चलेगा सारी चीज़ों का। और अभी चलते हैं घर गाइस, लग रही है भूख और टाइम होने वाले हैं 9, है ना? 9:15 हो चुके हैं। 9:15 हो चुके हैं, चलो अब भूख लगनी शुरू हो गई। पर हमें लेनी है पहले सीएनजी लिए, मैंने तो घर नहीं जाएंगे, फिर सुबह दिक्कत हो जाएगी। और बाहर चल चुकी है आंधी। किसी ने बोला था कुछ खिलाफ? किसने बोला था? जिससे मिलने आई थी यहाँ पर। कहाँ है फिर वो? चला गया आपको छोड़ के? अच्छा बाहर निकालो फिर उसको खिलाने के लिए। निकालती हूँ ना, जगह आने दो फिर निकालूंगी। अच्छा ठीक है, जगह आने दो फिर निकालूंगी। वाह रे वाह मेरी टैलेंटेड बीवी, वाह। जवाब नहीं है आपका बातों में, इसलिए कहते हैं बीवी से कोई नहीं जीत सकता। यस। तो गाइस फाइनली आ गए हैं अपने बिस्तर पे, अपनी मतलब अपनी लोकेशन पे, फिर से वही घर पे, क्योंकि चार पांच दिन से तो यही हो रहा था। स्टूडियो पे काम, खाओ पियो और सो जाओ, खाओ पियो और सो जाओ। वो एक ये कह रही, आज ये बोल रही थी, कह रही थी कि मुझे 4-5 दिन हो गए इस गुफा से निकले हुए, आज मैं रोड देख रही हूँ। और इधर कर रहा हूँ मैं अपना काम और ये अपना आ गई है रेस्ट मोड पे। और अभी रेनू गई है रितु के साथ कहीं बाहर, 11:30 तो हो रहे हैं वैसे।
और मैं बता दूं तो परसों घर में कुछ बड़ा होने वाला है, वो आप लोगों को कल के व्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग सब प्लानिंग में जुटे पड़े हैं, कुछ ना कुछ और सब डिसाइड कर रहे हैं क्या पहनना है क्या करना है, तो वो आपको कल के व्लॉग में पता चलेगा। और मैं करता हूँ अपना एडिटिंग का काम, डिनर हो चुका है और मम्मी से भी ज्यादा बात नहीं हुई है, मैं सीधा खाना खाया और मैं ऊपर आ गया क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है, कि कल रात को मैं लेट सोया था, सुबह भी मुझे उठना है, काम है इतने सारे, तो अभी भी मुझे रात ही होगी क्योंकि अभी मैं एडिटिंग करने जैसे बैठा हूँ तो वही मुझे 1:30-2 तो बजेंगे, तो होप सो जल्दी मेरा काम हो जाए तो करो। तो चलो मैं अभी एडिटिंग करता हूँ, फिर देखता हूँ टाइम में। ये आ गई दोनों, नाम लिया और हाजिर। ओ ओ क्या बात है, पाए लागू नाम लिया और हाजिर। अभी मैं व्लॉग शूट कर रहा था। ओए होए ये आई लाइक इट किट्टू, ऐसे ही करना चाहिए। ओहो किट्टू को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, शैम्पू चाहिए। ओ वाओ थैंक यू। ये रेनू के तो मुझे क्यों दे रही है? चॉकलेट वाली तेरे लिए स्पेशल। अच्छा थैंक यू। ये मम्मी की है, सारी वाली मम्मी को मटका खाने के लिए। ओहो रेनू मैडम ने लिया हमारे के साथ। और मैं लीजिए आम पन्ना वो मिली नहीं। ओहो तो कोई नहीं, तो इसमें से शेयर करके खा लेना चॉकलेट। ये किस से है? अलग से खाना ये मेरी है। बर्फ टाइप वाला नहीं होता ऐसा। अरे अच्छा लो भाई क्या करे, अभी इसको रख, नीचे से मम्मी वो लेके आती है। रेनू नीचे से जा रही है कटोरी लिए। दिखाओ शॉपिंग, दिखाओ अपनी शॉपिंग दिखाओ। ओ हो 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 ये मेरे हैं। वाह 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 ये मेरे हैं। ओ माय गॉड ये मेरे हैं, ये मेरे हैं। और ये वाला देख, तीन मंजिले इयररिंग। और ये देखने वाले, ओ भाई पूरा झूम आ रहा है। ये तो पूरा छज्जा है। छज्जा है अच्छे लग रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं। मेरी साड़ी नाइस, कोई भी नहीं चलेगा। और ये मेरे को समझ नहीं आ रही। अरे बहुत प्यारे लग रहे थे पहनने के बाद में। ये भी मेरे को पानी की ड्रॉप लग रही है, समझ नहीं आ रही। कलर ही कलर पर्पल लिखा के लेके। अरे मैं दोनों मैच करने के लिए लाई हूँ, अगर ये वाला ऑप्शन नहीं तो ये वाला ऑप्शन। ओके इसमें से तो ये किसका मोती निकल गया फॉल पता है? ₹50 में रेड के ऊपर कौन सा? वाह ये दिखा गाइस देखो ये मेरे पूरे हाथ में पूरे भर गए, देखो कितने बड़े हैं ये। सोच भारी कितने होंगे डालने के लिए। अरे हाँ ये तो सोचा ही नहीं। ट्राई कर लो भाई लड़की, करो करो फॉलो करना। और ओहो रेड डाल दूं मैं, रेड मैं ग्रीन कलर। ये तू क्या है? अरे क्यों डाट रही है इसको बेचारी को, इतने बाल गिर रहे हैं। मीठे खा तेरे को एक लव बाइट दे देगी फिर वो। लव बाइट दी तो ये ऐसे जिंदगी भर तक रहेगी। ये सही है वाह, मैंने अच्छे लग रहे ना ये तो मैंने पहन के फिट्टी लग रहे थे। अच्छा इसके साथ ये भी है हाँ। कान में ऊपर से घुमा के डालने के लिए ये हैवी है ना, ताकि लटके ऐसे आएगी। ओह बहुत भारी होगी ये तो, सच में बहुत भारी लग रहा है। सेलिब्रिटी लुक ये वाला मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ये भी तो मुझे लग रहा है तीन मंजिले, एक दो तीन। हीरा मंडी देखने के बाद इतने बड़े बड़े आ रहे थे। मैंने हीरा मंडी देखने के बाद कहता मैडम मैंने तो हीरा मंडी सुना भी नहीं है। मैंने कहा करने के लिए बोल रहा हूँ कि हीरा मंडी पता नहीं था क्या, प्राइस ना गिरा पाओ। इतने बड़े बड़े इयररिंग्स इतने प्यारे लग रहे थे। प्रीटी हाँ किट्टू आइसक्रीम नहीं मिल रही किट्टू को, ठंडी हो जाएगी। अरे हाँ मम्मी को बुलाओ, ठंडी हो जाएगी मतलब मेल्ट हो जाएगी। पता है मेरी और लिप्टू की बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई। ओ माय गॉड मैं तो बात भी नहीं कर रही अभी, बात भी नहीं कर रही। बात हुई नहीं मेरी उस बारे में, बात करके छोड़ देते हम फिर बात शुरू। वो डिस्कशन हमारा 10-15 दिन बाद होता है। ओके ठीक है बेटा आज कल मैं ये नहीं करूंगी, अच्छा तू भी मत करियो फिर। नहीं उसी दिन उस चीज को खत्म कर हम यही कहते हैं ऐसे तो हमारी अगले दिन कंटेंट मिल गया। बुआ भतीजी में घमासा नहीं होती, घमासा वही घमासा नहीं हुआ था उसमें है ना। वो हम कैप्चर नहीं कर, लेकिन हमें याद नहीं है।
मेरे को याद है, मेरे को अच्छे से याद है, एक ही बात याद है मेरे को, मैं आपसे ना बदला लूंगी उस चीज का। अरे पर हर्ष चला जाए, उसके बाद हर्ष चला जाए, मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया चला जाए, उसके बाद हीरामंडी बंद तो हीरामंडी का क्या नाम था, फोन करो अभी को। अरे वो बहुत क्या नाम था उसका, बहुत अरे वो जो सबसे मेन जो बंदी, मैंने नहीं देखी हीरा मंडी, मैंने नहीं, बिग्गो जानी, बिग्गो जानी क्यूट सी थी, मैंने नहीं देखी ये अपने आप का बिग्गो नहीं, आलमजीर। ओहो क्यूट क्यूट सी कहने का मतलब तो यही था। मम्मी ऊपर आ जाओ, आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी, आइसक्रीम मेल्ट हो, कटोरी ले आना, डबल चॉकलेट तो गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह उठ चुका हूँ फुल। वैसे तो मैं जल्दी उठ गया था, अपना व्लॉग अपलोड करना था रात को, मैं पूरा तो मैं कर लेता लेकिन आंख बिल्कुल ऐसे बंद हो जा रही थी ना, झटके लेने लग गया था मैं, और सर भारी हो गया था बहुत ज्यादा, फटने को हो गया। मैंने कहा नहीं अभी सोना जरूरी है, तो फिर मैं सुबह उठा जल्दी, सुबह भी दिमाग में घंटी बज रही थी उठना है, क्योंकि वो टेंशन रहती है ना, 8 बजे वीडियो अपलोड करनी है, 8 बजे वीडियो अपलोड करनी है, तो 8 बजे मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी यार। और किट्टू के बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, किसने इसको मीठा खिला दिया, क्या खिला दिया, या इनका एक टाइम का फेस होता ही है, बहुत बाल झड़ रहे हैं इसके। तो थोड़ी देर के लिए नैप लेने के लिए मैं लेट गया था, अभी थोड़ी देर पहले मतलब आधे पौने घंटे की मैंने नींद ले ली थी, और अब मैं चल रहा हूँ नीचे, तो ब्रेकफास्ट देखते क्या बना है। चले किट्टू चले नीचे, चले ब्रेकफास्ट देखे, और किट्टू के बाल दिखाता हूँ, देखो ये सारे ब्लैक 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 ये सारे दिख रहे हैं, किट्टू के बाल हैं ये सारे। किट्टू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ओ क्या हो रहा है, ये बाल क्यों झड़ रहे तेरे, तेल वेल लगाया कर कुछ, अच्छा हेयर फॉल हो रहा है तेरा बहुत ज्यादा। चलो गाइस फिर नीचे चलते हैं ब्रेकफास्ट, भाई भूख लग रही है, अब भूख लगनी भी लाजमी है, क्योंकि रात को भी देर तक काम किया था और सुबह भी जल्दी उठ गया था, तो चलो। नहीं नहीं बताओ जरा, बताओ मुझे कुछ नहीं, मैं तुम्हारे आपके लिए भेज रही थी इनको, सच्ची नहीं तो ये नहीं तो चिल्लाने लगेंगे है ना, नहीं नहीं कुछ और बोल रहे थे, एकदम से क्यों हंसे मुझे देख के, अचानक से देख के बुराई कर रहे थे, बुराई मतलब ऐसी बीवी है पति से नंद की, नहीं नंद से पति की बुराई करते, अब बताऊंगा रुक जाओ अभी थोड़ी देर में। अच्छा पराठा, मैं एकदम से ले लिया, हाँ बोल रही, मैं ही कह रही कि ना सही में यार कितना मुश्किल होता है ना पति के साथ रहने से, फिर भाभी कह रही है अभी चाय नहीं पियेंगे पहले यही दे आओ, मैंने कहा अरे भाई साहब कितना मुश्किल है, अच्छा एकदम से देखा भाई पीछे, अच्छा तभी तभी एकदम से देख के चौंक गए दोनों मुझे। तो गाइज नहा धो के रेडी हो गए थे, दोपहर में किया मस्त रेस्ट, और रेस्ट के साथ मतलब रेस्ट वो वाला रेस्ट की रेस्ट करके प्लानिंग करी है, शांत दिमाग से प्लानिंग्स होती है ना, तो वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, वो जब दिमाग शांत होता है ना तभी वो चीज़ें वर्क करती हैं, जल्दबाजी में माइंड वो वर्क नहीं करता जब आप कुछ काम करवा रहे होते हो, तो बस यही सब किया आज दिन में। तो अभी जा रहे हैं पार्लर, जैसे कि मैंने बताया कि कल घर में कुछ है, वो आपको अभी जब मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूंगा उसमें बताएंगे, और अभी मदर माँ आ रही है बस, और रेनू भी जा रही है, तो चलो अभी फिलहाल इस व्लॉग का एंड करता हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग, बाय।